साथियों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, MPPEB ग्रुप 4 की परीक्षा से पहले योग्यता ही बदल दी। मध्य प्रदेश के कई बेरोजगार को पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा भर्ती के नाम पर छलावा किया जा रहा है। शासन जब चाहे कुछ भी भर्ती नियम बनाकर लागू कर देती है, किंतु बेरोजगारी साथी शासन द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार अपनी तैयारी करते हैं, किंतु शासन बीच में कभी भी अपना भर्ती नियम बदल देती है, जिससे बेरोजगार युवा जो लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त एडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें आपका दोस्त एडी चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो इस चैनल पर डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 7/11/2016 को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप 4 की परीक्षा में भी कई पदों की पूर्व निर्धारित योग्यता बदल दिए जाने के कारण एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी टंकण प्रमाण पत्र को हटाकर CPCT स्कोर कार्ड में कंप्यूटर प्रोफेशिय हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण किए जाने के कारण आज दिनांक तक उक्त पदों पर चयनित आवेदकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन का उक्त पदों के संबंध में टाइपिंग संबंधी योग्यता स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण अधिकांश विभागों में इंग्लिश टाइपिंग के अभाव में पात्र आवेदकों को अपाज कर दिया गया। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिनांक 3/2/2018 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी असाधारण राजपत्र क्रमांक 91 मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 में संशोधन कर सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए निर्धारित योग्यता 12वीं उत्तीर्ण UGC से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा एवं CPCT स्कोर कार्ड में हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य किया गया है। जबकि राज्य शासन के किसी भी कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 को इंग्लिश टाइपिंग का कार्य नहीं होता, जिससे इंग्लिश टाइपिंग को अनिवार्य किए जाने औचित प्रतीत नहीं होता। उक्त योग्यता मात्र 1 वर्ष के अंदर बदल दी गई है। वर्तमान में शासन द्वारा पटवारी के पदों के लिए भी पूर्व निर्धारित योग्यता को बदल दिया गया एवं CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य करने के पश्चात केवल स्नातक उत्तीर्ण आवेदकों को शामिल किया गया है, जिससे कई आवेदक जिन्होंने UGC से कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स एवं CPCT स्कोर कार्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए थे वो भी व्यर्थ हो गए, जिससे आवेदकों का मानसिक आर्थिक शोषण हुआ। हजारों रुपए उक्त पदों की योग्यता के लिए खर्च करने के पश्चात शासन द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए योग्यता बदल कर बेरोजगार आवेदकों की अपेक्षा की गई। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की भर्ती वर्तमान में योग्यता के अनुसार न होकर वोट बैंक एवं गलत योग्यता निर्धारण पर योग्यता आवेदक पात्र आवेदकों को मौका ना देकर ज़्यादा से ज़्यादा आवेदक फॉर्म भरने हेतु उत्साहित कर पैसा कमाना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।